नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो सिंगरौली जिले के सराई क्षेत्र में सड़कों पर बेलगाम दौड़ने वाले ऑटो लोगों के लिए आफत बने गए हैं। ऑटो चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां सवारियां दिखी वहीं ठोक दिया ब्रेक, चाहे सड़क के बीचों बीच क्यों ना हो, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। सराई क्षेत्र में प्राइवेट बसों का संचालन होने के बाद भी ऑटो संचालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर क्षमता से अधिक सवारियां बैठा रही हैं। ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से लगातार ऑटो के संचालन बढ़ने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज घनसौर में सिद्धेश्वरी शारदा मंदिर में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अखंड ज्योत कलश जवारे के साथ माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन हुआ और वहीं माता रानी के भक्तों ने अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते हुए माता रानी के जयकारे के साथ नगर भ्रमण किया। तो वहीं मंदिर के सचिव शिवदत्त कौशल का कहना है कि 20 वर्षों से उन पर माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। सिंगरौली जवान थाना में शिविर लगाकर तत्काल शिकायतों के निराकरण की कवायद शुरू कर दी गई है। जहां पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशन में लंबित मामलों के निवारण हेतु थाना जियावान TI अनिल उपाध्याय ने थाने में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया, जिसमें आवेदक अनावेदक बुलाए गए वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त 5 शिकायतों और थाना में 9 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया, जिसमें कुछ मामलों को आपसी समझौते से निवारण किया गया है। सिंगरौली जिले के तियरा मंडल सेक्टर शिवपहड़ी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस अवसर पर सांसद राज्यसभा राम शकल वैश्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। कहा कि पार्टी की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय अति आवश्यक था। देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और ईमानदारी से विपक्षी घबरा कर बेमेल गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचार की सजा से बचने का प्रयास कर रहे हैं। शाहजहांपुर में मंगलवार को अहले इस्लाम कौमी जमात इज्तिमाई कमेटी के द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं सम्मेलन में 25 जोड़ों ने कहा निकाह कबूल है। हर साल के मुताबिक इस साल भी ईदगाह रोड स्थित चिमनलाल खेत पर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अध्यक्ष सैयद इरशाद अली ने कहा कि मुस्लिम समाज की शादियों में फिजूल खर्चा करना पसंद नहीं करते, ताकि गरीब परिवारों को शादी कराने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो पैसा शादी में खर्च होता है उस पैसे को बचाकर पढ़ाई, रोजगार और बिजनेस में लगाएं, इससे मुस्लिम समाज तरक्की और उन्नति कर सके। शाहजहांपुर में 12 साल से अहले इस्लाम कौमी जमात इज्तिमाई शादी कमेटी सम्मेलन करती आ रही है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि गरीब की बच्चा इस सम्मेलन में हर साल कमजोर वर्ग के जो जुड़े हैं वो जुड़ते रहें और उनका हम पूरी कमेटी सब मिलकर सहयोग करते रहें और इंशाल्लाह और आगे भी इसी करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिजूल खर्च ये बचपन का बचे और सबको इसका फायदा मिले और इंशाल्लाह हर साल इसी तरह हम सब लोग करते रहेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।